Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So BNI-fied, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFAite. Yes, I am an IFAite. Design your future. उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विकास भवन में जिला योजना समिति की बैठक की, जिसमें आगरा के विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि और डीएम एवं सीडीओ सहित समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की केंद्र सरकार को 5 साल हो गए और प्रदेश सरकार को 3 साल होने जा रहे हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आगरा की मिठाई खूब खाई। सीएम और डिप्टी सीएम आगरा प्रभारी ने अपेक्षा से ज्यादा समीक्षा बैठकें की, लेकिन आगरा को कोरे आश्वासन से ज्यादा अभी तक कुछ नहीं दे पाए। एक बार फिर मीडिया की सुने बिना अपनी बात कहकर डिप्टी सीएम रवाना हो गए। मैं यहां पर जो हमारी जिला विकास योजना है, जिला योजना की बैठक थी, उसमें शामिल हुए हैं। दो चीजों पर जाँच के आदेश दिए गए हैं, दो योजनाओं के बारे में वो हमारे सीडीओ साहब बताएंगे, और बाकी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हमने विचारार्थ रखा है। और मुझे खुशी है कि स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा डेवलप हो रहा है, और पेयजल की योजनाओं को भी यहां पर धरातल पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ अभियान जो है वृक्षारोपण का तेजी के साथ में पूरे नगर निगम ने इसको लिया है, और नगर निगम के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी चुनौती के रूप में लिया है। मुझको लगता है कि ये जो वृक्षारोपण का अभियान है, निश्चित रूप में पर्यावरण संतुलन करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। विभिन्न विषयों पर कल हमारे सरकार के द्वारा जो यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया बही खाता के रूप में पहली बार, तो उसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जहां अध्ययन की स्थापना की बात है, जिसे विदेशी बच्चे हिंदुस्तान में आकर पढ़ने लगे, वहीं पर जो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए रिसर्च अनुसंधान केंद्र की, शोध अनुसंधान केंद्र को बनाए जाने की बात है, वहीं नई शिक्षा नीति को लाने की बात हो रही है, तो वहीं जो उच्च शिक्षा के संदर्भ में उसका आयोग बनाने की बात भी, उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात भी हुई है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कल का जो बजट है एक वरदान साबित हुआ है, और विभिन्न पहलुओं पर, चाहे वो महिलाओं के लिए हो कि उनको जनधन योजना से जोड़ा गया, चाहे उनको ओवरड्राफ्ट का मसला हो, चाहे 1 लाख रुपए तक का उनको ऋण मिलने का हो, कई चीजों को देखते हुए प्रत्येक जगह पर गांव, गरीब और किसान, इन 3 चीज को लक्ष्य बांधकर जो हमारा कल बजट आया है, मैं समझता हूँ ये एक नए भारत का निर्माण की एक नींव रखने का काम कल के बजट ने किया है। सर, आज इटावा के सांसद ने बूथ पर टोल प्लाजा होता है उसे फायरिंग कराई, 4 गाड़ियां 1 बस लेके गई। देखिए, आपने आपने बताया है, मैं किस्से को पता करता हूँ। पता करने के बाद तो कानून अपना काम करता है, कानून पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। मुझे घटना का विवरण नहीं पता है, मैं विवरण पता कर लूँ, दोनों पक्ष की बातें जान लूँ, तब इस बारे में कुछ बात करूँगा। धन्यवाद। मरीज को दवाई नहीं है, पीड़ित को न्याय नहीं है, और गरीब के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं है। आम बजट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, भाजपा नेता कह रहे हैं जनता के हित में आम बजट। 7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।